नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। चूरू जिले के रतनगढ़ में गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से भाजपा विधायक अभिनेश महर्षि को धमकी भरा कॉल आया है। कॉल करने वाले ने खुद को रोहित गुदारा बताया और महर्षि से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। नहीं देने पर राजू ठेहर जैसा हाल करने की धमकी दी। विधायक ने रतनगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है। उधर चूरू SP राजेश कुमार मीना ने कहा कि जांच के लिए टीम गठित की गई है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। CI सुभाष बिजारणिया ने बताया कि विधायक महर्षि की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि जब तक मामले की पुलिस जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। यह पहला मामला नहीं है जब किसी व्यक्ति को रोहित गुदारा के नाम से धमकी मिली है। बूंदी के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के 1.5 साल पुराने मामले में दोषी को जज सलीम बदर ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजन पक्ष के राकेश ठाकुर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 जुलाई 2021 को सदर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 16 जुलाई 2021 को मेरी पत्नी ने लड़की को घरेलू कार्य को लेकर थोड़ा बहुत डांट दिया था, जिसके बाद पीड़िता रात को कहीं चली गई। इधर उधर तलाश करने और रिश्तेदारों से पता करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। महीने बाद सदर थाना पुलिस ने पीड़िता को जयपुर से डिटेन किया और आरोपी 19 वर्षीय जरनैल सिंह उर्फ विक्की निवासी कोट खेड़ा तलेड़ा जिला बूंदी को जयपुर से गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। उदयपुर जिले के फलासिया क्षेत्र में एक विवाहिता का उसके पिता और सौतेले भाई ने 2 लाख रुपए में सौदा कर दिया। 3 महीने बाद खरीदार के चंगुल से निकली विवाहिता ने अपने मामा के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। फलासिया थाना पुलिस ने आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि खरीदार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बचपन में उसकी माँ वर्दी बाई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ से 3 बेटे और 1 बेटी हुई। 8 साल पहले पिता ने उसकी शादी उपली सिगरी निवासी युवक से जबरन कर दी, जिससे उसके 1 बेटा व बेटी हुई। पति के प्रताड़ित करने पर वह पीहर लौट आई थी। 3 महीने पहले उसके पिता व सौतेले भाई ने सिरोही जिले के ईश्वर नामक व्यक्ति से उसका सौदा 2 लाख रुपए में कर दिया था। ईश्वर ने 3 महीने तक उसे अपने घर में बंधक बनाकर रखा और हर दिन दुष्कर्म किया। भीलवाड़ा जिले में चरित्र पर संदेह के बाद पति ने लाठी से पीट पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस और महिला के पिता को सूचना दी। पति को हिरासत में लिया गया है। घटना स्थल की जांच के लिए FSL टीम को बुलाया। घटना जहाजपुर क्षेत्र के गोगा का खेड़ा की है। जानकारी के अनुसार गोगा का खेड़ा में रहने वाले मोतीलाल भील ने अपनी पत्नी 35 वर्षीय अनीता भील की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला पड़ोस के घर में सूर्य पूजन कार्यक्रम में गई थी। उसके घर लौटने के बाद अनीता और उसके पति मोतीलाल के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े में मोतीलाल ने अनीता को बुरी तरह से लाठी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि मोतीलाल को अपने पत्नी के चरित्र पर शक था, अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। बीकानेर जिले के गजनेर थाना क्षेत्र के विवाहिता ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 7 अप्रैल को उसका पति बाहर गया हुआ था। उसी दौरान रात को विजेंद्र सिंह छेलू सिंह जबरन घर में घुस आए और उसे जबरन गाड़ी में डालकर सरदारशहर ले गए और उसके साथ 2 दिन तक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विभाग की टीम ने तिवरी क्षेत्र के चावड़िया गांव में मगरास मसाला पर कार्रवाई की। इसके तहत मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर जब्त भी किया गया। चिकित्सा विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो यहां पर पुरानी खराब मिर्ची को पीसकर मिर्ची पाउडर बनाया जा रहा था। टीम के निरीक्षण के दौरान मौके पर मिर्च पाउडर में कलर मिलाया हुआ पाया गया। वहीं धनिया पाउडर बनाने में भी डंठल मिलाकर पीसे जा रहे थे। इसी पर टीम ने मिर्च पाउडर के 3 सैंपल जाँच के लिए लिए। इस दौरान 2614 किलो मिर्च पाउडर और 898 किलो धनिया पाउडर जब्त किया गया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड होम डिफेंस कॉलोनी होमगार्ड के 1500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 7वीं पास उम्मीदवार
9 मई तक झारखंड सरकार के भर्ती पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा द्वारा ग्रामीण और शहरी होमगार्ड के कुल 1501 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके तहत गढ़वा ग्रामीण, मैराल, रमुना नगर, सगमा, थुरकी, भवनाथपुर, खरौंदी, मझियोव, कांडी, बरहीडा, रंका, भंडरिया, रमकंडा, चिनिया, बडगढ़, केतार, विशुनपुरा, डंडई और डंडा के साथ साथ गढ़वा शहरी होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। इसमें 1456 पदों पर ग्रामीण जबकि 45 पदों पर शहरी होमगार्ड की भर्ती होगी। बाड़मेर जिले में इमित्र संचालक के साथ एक युवक ने बोलचाल के बाद चाकू से सीने पर हमला कर दिया। इससे इमित्र संचालक लहूलुहान हो गया, गंभीर हालत में घायल हो गया। घटना सेडवा कस्बे की है। संचालक को सेडवा प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर कर दिया गया। वही पुलिस ने आरोपी को 4 घंटे में 7 किलोमीटर तक पैदल पीछा करके डिटेन किया है। जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच बोलचाल के बाद आरोपी ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय हनुमानराम सदराम की बेरी और 35 वर्षीय करीम खान निवासी सेडवा साथ में थे। दोनों के बीच में मामूली बोलचाल हो गई। इसके बाद करीम खान ने आवेश में आकर हनुमानराम पर चाकू से सीने पर हमला कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। करौली जिले के नदोती पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई कर कुख्यात कोडिया गैंग के 5,000 रुपए के इनामी, 2 हार्डकोर हिस्ट्री शीटर समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। आरोपियों से पुलिस की टीम गहनता से अनुसंधान कर रही है। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 35 वर्षीय भोर सिंह उर्फ भूरू मीना, 32 वर्षीय राजकुमार मीना, 27 वर्षीय शुभम मीना, 23 वर्षीय अजय मीना तथा 26 वर्षीय अजीत मीना निवासी कोडिया जिला करौली को गिरफ्तार किया है। इनमें भूर सिंह और उसका भाई राजकुमार श्री महावीर जी थाने के हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी हैं। इनकी गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम घोषित है। सभी बदमाश कोडिया गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इन पर करौली के विभिन्न थानों में लूट, मारपीट, हत्या व आर्म्स एक्ट के अंदर दर्जनों प्रकरण दर्ज हैं। बाड़मेर में व्यक्ति की लाठियों से पीट पीट कर हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आक्रोशित परिजन और समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर महिला समेत 17 लोगों ने बेटियों के साथ बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जान बचाने आए लोगों को धमकाया, यदि कोई बचाने आया तो उसे जान से मार देंगे। परिजनों का आरोप है कि मृतक कोजाराम ने 15 मार्च को ही बाड़मेर एसपी को शिकायत देकर बता दिया था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब हत्या कर दी गई है। दरअसल गिराब थाना क्षेत्र के असाड़ी गाँव में कोजाराम की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में पिछले 6 साल से विवाद चल रहा था। वहीं मोर्चरों के बाहर धरना स्थल पर भाजपा जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल भी पहुंचे। इन्होंने हत्या की घटना की निंदा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।